भाजपा पर यह आरोप लगाना कि भाजपा दलित और पिछड़ा वर्ग विरोधी है, ये सरासर गलत है। मैं इसको आपको इस तरीके से साबित कर सकता हूँ कि भाजपा दलित और पिछड़ा वर्ग के लिए हितैषी पार्टी है। जिन लोगों ने आरोप लगाया है वो संभवतः समाजवादी पार्टी में जाने की सोच रहे हैं। जब कांग्रेस की सरकार सेंट्रल में थी उस समय अनुसूचित जाति जनजाति के लिए प्रमोशन में रिजर्वेशन का बिल कांग्रेस लेकर के आई थी। उस बिल को फाड़ने का काम समाजवादी पार्टी के सांसद ने किया था, सपा ने उस बिल को फड़वाया था और वो वैसे पड़ा का पड़ा रह गया। फिर जब मोदी सरकार आई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर वो बिल लेकर के आई कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को प्रमोशन में भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए, और वो बिल ला करके राज्यसभा और लोकसभा में पास कराया और ये कानून बनाया कि SC ST को प्रमोशन में भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तो ये साफ जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी ने SC ST के लिए प्रमोशन में रिजर्वेशन का रास्ता साफ किया। और अभी जो मोदी जी ने कहा है कि 2022 तक सबको आवास दे दिए जाएंगे, तो आवास उन्हीं को मिलेंगे जो गरीब हैं, और गरीब सबसे ज़्यादा अनुसूचित जात के लोग होते हैं, अनुसूचित जनजात के लोग होते हैं। तो इसमें भी सबसे ज़्यादा फायदा अनुसूचित जात जनजात के लोगों को मिल रहा है। फ्री राशन, देश के 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन देने की व्यवस्था इस समय सरकार ने की है। महीने में 2 बार फ्री राशन दिया जा रहा है। फ्री राशन उन लोगों को दिया जा रहा है जो गरीब हैं, जिनके पास राशन कार्ड बने हुए हैं, और गरीब सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति और बैकवर्ड के ही लोग हैं। तो इसमें भी सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति और बैकवर्ड के लोगों को फ़ायदा मिल रहा है। पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करके उसको संवैधानिक दर्जा देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, तो ये कैसे माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग विरोधी है? यह बात कहना कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग और दलित विरोधी है, ये सरासर गलत है। और मैं 2017 में विधायक बना भारतीय जनता पार्टी से, 2 साल विधायक रहा। 2019 में पार्टी ने मुझे लोकसभा लड़ाया, मैं इस समय भारतीय जनता पार्टी का सांसद हूँ। तमाम सारी अनेक ऐसी योजनाएँ हैं जो पिछड़ा वर्ग के लिए और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए लागू की गई हैं, चल रही हैं। जितनी भी योजनाएं हैं उसका सबसे ज़्यादा फायदा अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को मिल रहा है, इसलिए ये बात सरासर गलत है।